वहीं विदिशा जिले में त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग ने रविवार को प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया। इस सत्र में लगभग 50 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए, जिन्होंने कम बल होने पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के तरीके सीखे। पुलिस लाइन में आयोजित बलवा ड्रिल के दौरान पुलिस कर्मियों को दंगा और बलवा की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सिखाया गया। पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य आगामी त्योहारों में संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी करना था, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति बनने पर न्यूनतम बल का उपयोग करके स्थिति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सके। विदिशा से अजय सिकलवा की रिपोर्ट। देखिए, दरअसल में इस समय नवरात्रि का पर्व चल रहा है। आगामी समय में हमको नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्वक संपन्न कराना है। इस हेतु आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की पहल पर बलवा ड्रिल का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें हम लोगों का उद्देश्य केवल यह था कि पूरी तरीके से फोर्स को ट्रेन कर दें, किस प्रकार से मिनिमम फोर्स का उपयोग कर हम लोग किसी भी मॉब का नियंत्रण कर सकें। इस दौरान में मैं स्वयं आरआई साहब और हम लोगों ने तकरीबन 50 लोगों को इकट्ठे किए थे। उसमें कुछ इंस्ट्रक्टर थे, कुछ सब इंस्ट्रक्टर थे और कुछ हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल थे और महिला कांस्टेबल थी। तो हम लोगों ने उनको पूरा ब्रीफ किया किस प्रकार से शॉर्ट रेंज सेल चलाने हैं, किस प्रकार से लॉन्ग रेंज सेल को लोगों को डिलीवर करना है, किस प्रकार से हैंड ग्रेनेड चलाना है और किस प्रकार केन चार्ज है, लाठी चार्ज है, राइफल चार्ज है, किस तरीके से हम लोगों को पावर का उपयोग करके, मिनिमम पावर का उपयोग करके किसी भी मॉब का नियंत्रण करना है। इस हेतु एक बलवा ड्रिल आयोजित की गई थी, जिसमें हम लोगों ने पूरी तरीके से फोर्स को अच्छे से ब्रीफ करके समझा दिया गया है, जिससे आगामी त्योहारों में हम लोग फोर्स का उपयोग कर सकें।